गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सिंह, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9, अ मैजिक पेंट ब्रश हैज बीन एक्सप्लेन्ड. टुडे आई शैल सेंड एक्सरसाइज 1 एंड यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज माई डिक्शनरी मीन्स वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड टेंड द कैटल means look after the cattle, पशुओं की देखभाल करना. Save a lot of time, do something quickly. Till the land, grow crops on the farm, farm में crops को grow करना, उगाना. Turning things to life, making things come alive, यानी things को जीवित करना. Accused, blamed, दोष लगाना. Give me your word, प्रॉमिस मी समथिंग, यानी उस प्रॉमिस को, उस वायदे को निभाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंस विद द अबव वर्ड्स इन योर नोटबुक. फर्स्ट सेंटेंस, माल्यांग यूज्ड टू टेंड द कैटल, माल्यांग पशुओं की देखभाल क्या करता था. सेकेंड सेंटेंस, ही वर्क्ड हार्ड डे एंड नाइट टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. He worked hard day and night to save a lot of time. समय बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए वो रात दिन मेहनत करता था, कठिन परिश्रम करता था. थर्ड सेंटेंस, फार्मर्स यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन टू टिल द लैंड. फार्मर्स डिफरेंट टाइप की मेडिसिन का यूज करते हैं अच्छी फसल को उगाने के लिए. A magician turning the things to life. Magician ने things को जीवित किया. You should not accost him. आपको उसे दोष नहीं लगाना चाहिए. Next sentence. I can help you, but you should give me your word. मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ अगर आप अपने वायदे को निभाते हो तो, अपने प्रॉमिस को आप निभाओगे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड ही ड्रीम अबाउट, उसने क्या स्वप्न देखा. आंसर, वन नाइट ही ड्रीम्ड दैट एन ओल्ड मैन हैड गिवन हिम अ मैजिक पेंट ब्रश. उसने रात को स्वप्न देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसको एक पेंट ब्रश, यानी मैजिक पेंट ब्रश देकर गया था. एंड आस्क्ड हिम टू यूज इट टू हेल्प पुअर पीपल, और उससे ये कहा कि वो जो है गरीबों की मदद करे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प पीपल, उसने लोगों की मदद करने के लिए क्या किया. आंसर, ही यूज्ड द पेंट ब्रश व्हेन एवर पीपल नीडेड हेल्प. वह लोगों की हेल्प के लिए उस पेंट ब्रश को यूज किया करता था जब भी उनको आवश्यकता होती थी. व्हेन ही सॉ दैट पीपल हैड नो वाटर टू यूज इन द फील्ड्स. व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा कि लोग जो है उनके खेतों में पानी नहीं है. He drew a river, तो उसने river को drew किया. And the river came to life, और river को जो है जीवित किया. People could bring water from the river, और लोग जो हैं अपने fields में river से पानी ले आए. And save a lot of time, और बहुत सारा जो time और energy उनकी बची. When he saw It was difficult for people to till lands. और जब उसने देखा कि लोग जो हैं अब परेशान हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो he drew a cow. तो उसने काऊ को drew किया. And the cow came to life. और काऊ जो है जीवित हो गई. People could use the cow to till the lands very easily. इस तरह से लोगों ने काऊ को जो है आसानी से use किया. So when he saw the people's troubles,
इसलिए जब भी उसने लोगों को परेशानी में देखा तो ही वुड यूज हिज मैजिक पेंट ब्रश टू हेल्प। तो वो जो है उस मैजिक पेंट ब्रश को लोगों की मदद के लिए, सहायता के लिए यूज कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द रिच मैन्स प्लान। रिच मैन का प्लान क्या था? आंसर, द रिच मैन हुम माल्यांग हैड हेल्प्ड। रिच मैन जिसकी माल्यांग सहायता किया करता था, हेयर्ड दैट द मैजिक पेंट ब्रश, उसने उस मैजिक पेंट ब्रश के बारे में सुना, कुड टर्न एवरीथिंग टू लाइफ, कि वो जो है सब कुछ जीवित कर देता है वो पेंट ब्रश। ही वॉज अ विग्ड मैन, वो विग्ड मैन था, अपराधी व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था। सो ही हैड द प्लान अबाउट स्टीलिंग द पेंट ब्रश, इसलिए उसने पेंट ब्रश को चुराने की प्लान बना ली फ्रॉम द यंग मैन, उस यंग मैन से, मीन्स माल्यांग से। ही नीव दैट, वो जानता था कि ही कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी, वो जानता था कि बहुत सारा धन उससे कमा करके बनाएगा वो। बट टर्निंग थिंग्स टू लाइफ, और इस तरह से वो जो है उसे अर्न करके बहुत, यानी बहुत सी चीजें बनाएगा और उससे मनी अर्न करेगा, एंड कीपिंग देम, और अपने पास रख लेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड द रिच मैन हैव टू कॉल माल्यांग। रिच मैन ने माल्यांग को क्यों बुलाया? द रिच मैन ड्रीव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, रिच मैन ने बहुत सी पिक्चर्स बनाई, बट दे वुड नॉट कम टू लाइफ, परंतु वे जीवित नहीं हुई। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज था, एंड हैड टू आस्क समवन टू गेट माल्यांग टू हिम, और उसने जो है किसी से कहा कि भी माल्यांग को बुला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रिच मैन डाई, रिच मैन किस तरह से रिच मैन की डेथ हुई? द मैजिक पेंट ब्रश कुड टर्न एवरीथिंग टू लाइफ, अ मैजिक पेंट ब्रश जो है वो सब कुछ जीवित कर सकता था। द रिच मैन आस्क्ड माल्यांग टू ड्रॉ अ गोल्डन माउंटेन, इसलिए रिच मैन ने माल्यांग से एक गोल्डन माउंटेन बनाने के लिए कहा। द यंग मैन स्माइल क्वाइटली, यंग मैन जो है धीरे से हंसा, एंड ड्रीव अ बिग शिप, और उसने बड़ा शिप बना दिया, एंड द सी टू अलोंग विद द गोल्डन माउंटेन, और सी बना दिया उसके साथ साथ गोल्डन माउंटेन की। द बैड मैन जंप्ड इनटू द शिप, बैड मैन ने शिप में जंप किया पहले, सबसे पहले, एंड अ लॉट ऑफ हिज ग्रीडी फैमिली मेंबर्स, और उसके बहुत से जो लालची परिवार के मेंबर्स थे वो भी उसमें बैठ गए शिप में, एंड फ्रेंड्स जंप्ड इनटू, और उसके क्लोज फ्रेंड भी जो फ्रेंड्स थे। व्हेन द शिप सेल्ड टू द मिडिल, जब शिप जो है सी के मिडिल में पहुंच गया, ऑफ द सी यानी सी के मिडिल में, तो द यंग मैन ड्रीव अ लार्ज वेव, तो यंग मैन ने एक बड़ी वेव जो है ड्रॉ की, एंड इट डिस्ट्रॉयड द शिप, और ये जो है शिप जो है उसमें डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। सो द विग्ड मैन एंड हिज फ्रेंड डाइड, और इस तरह से जो है उसके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सब की जो है डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में, देन द यंग मैन ड्रीव अ गोल्डन माउंटेन, तब जब यंग मैन ने गोल्डन माउंटेन को ड्रीव किया, विच वॉज फार अवे फ्रॉम द सी, तो ये जो है सी से बहुत दूर था, समुद्र से बहुत दूर था। द बैड मैन शॉ दैट, बैड मैन ने उसे देखा, एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुआ। ही सैड, उसने कहा, ड्रॉ अ बिग शिप क्विकली, जल्दी से एक बड़ा सा जहाज बनाइए, आई वॉन्ट टू गो देयर टूगेदर गोल्ड, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ गोल्ड को साथ लाने के लिए। द यंग मैन स्माइल्ड क्वाइटली, यंग मैन धीरे से हंसा, एंड ड्रीव अ बिग शिप, और उसने जो है एक बड़ा सा शिप बना दिया। द बैड मैन जंप्ड इनटू द शिप, बैड मैन ने शिप में जंप किया,
सबसे पहले एंड अ लॉट ऑफ हिज ग्रीडी फैमिली मेंबर्स, और उसके बहुत सारे ग्रीडी फैमिली मेंबर्स ने एंड फ्रेंड्स जंप्ड इनटू, और उसके फ्रेंड्स ने। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हम फिलिप्स जो है मैंने कलर्ड वर्ड जो है, ऑल कलर्ड वर्ड्स आर फिलिप्स। यू विल नोट ऑल द वर्ड्स इन योर नोटबुक स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।